वेलकम फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान में निकली एक और नई बड़ी भर्ती के बारे में। राजस्थान में एलडीसी की नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती, टोटल पदों की संख्या 10,000, काफ़ी बड़ी वैकेंसी, इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है। ऑफिशियल फ्रेश नोट कब जारी होगा, कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए राजस्थान की सभी भर्तियों की पल पल की अपडेट्स के लिए। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, इसी महीने 10,000 पदों के लिए जारी होगा नियुक्ति कैलेंडर। तो साथियों, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है कि 9 साल बाद एक बार फिर से पंचायत राज एलडीसी भर्ती पूरी होने की आस जगी है। पंचायत राज विभाग में 10,000 एलडीसी के पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग इसी महीने अटकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर सकता है। राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव से मुलाकात के बाद में पंचायती राज विभाग के सचिव पीसी किशन ने इस बात के संकेत मिले हैं। इससे पहले विभाग ने 2 बार नियुक्ति कैलेंडर जारी किया है, लेकिन भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। यादव ने कहा कि पंचायती राज विभाग के सचिव ने इसी महीने भर्ती पूरी करने का आश्वासन दिया। साथ ही JEE भर्ती में 500 से अधिक पद बढ़ाने की मांग की गई। विभाग 2100 पदों के लिए भर्ती निकालने की तैयारी कर रही है। इसके अतिरिक्त ये न्यूज़ दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित हुई है। पंचायती राज में 4,191 पदों पर एलडीसी भर्ती होगी। बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, पंचायती राज विभाग में 4,191 एलडीसी पदों पर भर्ती होगी। इसके शेड्यूल की घोषणा जल्द होगी। इस भर्ती में विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मियों को अनुभव के आधार पर 10 से 30 अंक तक का फायदा दिया जाएगा। यह भर्ती वर्ष 2013 से जुड़ी भर्ती का हिस्सा है, जो अब पूरी होगी। तो साथियों, काफ़ी बड़ी अपडेट है, पंचायती राज विभाग के अंदर नई एलडीसी भर्ती की घोषणा हो चुकी है। काफ़ी बड़ी अपडेट है, जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से 2013 वाली एलडीसी भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने का वेट कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये भर्ती कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ट्विटर अकाउंट पर जी न्यूज़ राजस्थान की न्यूज़ दिखाता हूँ। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 9 साल बाद एक बार फिर से पंचायती राज एलडीसी भर्ती पूरी होने की आस जगी है। पंचायती राज विभाग में 10,000 एलडीसी के पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग इसी महीने अटकी हुई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी कर सकता है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव का कहना है कि पंचायती राज विभाग के सचिव पीसी किशन से वार्ता हुई, जिसमें इसी महीने भर्ती पूरी करने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ साथ JEE भर्ती में 500 से ज्यादा पद बढ़ाने की भी मांग की। आज जो वार्ता हुई बहुत सकारात्मक हुई, सकारात्मक है। उन्होंने पूरा कह दिया कि इसी महीने में जो नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देंगे, जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती का नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर देंगे। जो हम पंचायत राज JEE भर्ती की जो मांग कर रहे हैं, 580 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली और 2100 पद जोड़ने की मांग करते हैं, उसमें भी हमें कहा है कि इनको भी जोड़ा जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि जनवरी तक पंचायत राज JEE भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। यानी कि दोनों भर्तियों को लेकर बहुत ही अच्छी वार्ता हुई है और जल्द ही बेरोजगारों को खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि लगातार हम संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष का परिणाम जल्द सामने आने वाला है। तो साथियों, अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, आपकी जो वैकेंसी है वो इसी महीने जारी हो जाएगी, आपका ऑफिशियल फ्रेश नोट जारी हो जाएगा, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।